वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। बट फ्रेंड्स आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस के डे 6 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। बाटला हाउस एज थ्रोन इन अ बिग सरप्राइज, ह्यूज सरप्राइज, जहां पर अगर कोई फिल्म अपने मंडे को 5.05 करोड़ की कमाई करती है तो नॉर्मली अगर हम ड्रॉप वाइज देखा जाए तो वो फिल्म 4.5 करोड़ कमाना चाहिए। इसलिए मेरा प्रेडिक्शन जो मैंने दिया था अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेंसी टिकट रेट्स भी जो कम हो चुके हैं वो था 4 से लेकर 4.5 करोड़। लेकिन जब आपकी फिल्म आपके ऑक्यूपेंसी के हिसाब से और प्रेडिक्शन के हिसाब से ऊपर कलेक्शन लेके आए तब इसका मतलब यह है कि फिल्म चिपक चुकी है ऑडियंस को और दूसरे हफ्ते में भी इसके अच्छे कमाई करने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और यही हुआ है जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस के साथ, जिसने अपने डे 6 को मात्र बोल रहा हूं 27 लाख का ड्रॉप दिखा के, दैट्स वेरी मिनिमल, 4.78 यानी कि 4.78 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है। और इसी का कारण है जॉन अब्राहम की यह फिल्म सिर्फ 6 दिनों में 57.82 करोड़, यस फ्रेंड्स 5.782 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और अगर ये फिल्म आज 4 करोड़ के नीचे नहीं गिरेगी, मैं अभी बोल रहा हूँ 4 करोड़ के नीचे नहीं गिरती है एंड समवेयर ऑन थर्सडे 375 यानी कि 3.75 करोड़ रुपए भी कमाती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द फर्स्ट वीक टोटल ऑफ बाटला हाउस टू बी 65 करोड़, जो कि अमेजिंग होगा। दूसरे हफ्ते में पूरी की पूरी कोशिश करेगा एटलीस्ट 90 करोड़ टच करने की। फिर गाइस साहो आ रही है, उसके बाद क्या होगा इंडियन सिनेमा का किसी को नहीं मालूम, क्योंकि साहो सब स्क्रीन ले जाएगा। उसके बाद भी अगर ये फिल्म चलती है देन इट विल बी एडेड बोनस। लेट्स सी गाइस, अब रात को मिलेंगे इसके ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड प्रेडिक्शन एपिसोड में। तब तक क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बटन दबाइए। सिमियामरन साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।